दोस्तों, हैदराबाद और आरसीबी के बीच सांसें रोक देने वाले मुकाबले में हेनरी क्लासन ने शतक ठोककर आरसीबी के फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। हैदराबाद की टीम ने आरसीबी के सामने 187 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए विराट की टीम को ये मुकाबला जीतना अहम था। क्लासन के शतक के बाद मैदान पर आग बनकर उतरे विराट कोहली। तूफानी अंदाज में हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए किंग कोहली ने कैसे मचाया तहलका। रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में किसने की जीत हासिल, दिखाएंगे रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आरसीबी और हैदराबाद के बीच एक रोमांचक मुकाबला शुरू हुआ। आपको बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ये मुकाबला काफी अहम था। अगर विराट कोहली की टीम ये मुकाबला हार जाती तो उनके प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाती। मुकाबला शुरू हुआ, पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम। उनकी शुरुआत एक बार फिर से निराशाजनक रही। टीम के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी माइकल ब्रेसवेल के एक ही ओवर में पवेलियन लौट गए। हालांकि इस निराशाजनक शुरुआत के बाद हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम और हेनरी क्लासन ने वो काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरसीबी के प्रशंसकों की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई। दोस्तों, मुकाबले में आतंक मचाते हुए हेनरी क्लासन ने केवल 51 गेंदों में ही 104 रनों की पारी खेल डाली। इस तूफानी बल्लेबाज ने अपनी पारी में 8 चौके और 6 बेहद ही खतरनाक छक्के लगाए। हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, कर्ण शर्मा से लेकर सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने शतक को अंजाम दिया। एडन मार्करम ने उनका साथ तो जरूर निभाया, लेकिन वो 20 गेंदों में केवल 18 रन ही बना पाए। उन्हें सहबाज अहमद ने क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था। और आखिर में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए हैरी ब्रुक ने 19 गेंदों में ही 27 रन ठोके, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का भी लगाया। दोस्तों, मुकाबले में शतक वीर रहे हेनरी क्लासन की दमदार पारी के दम पर हैदराबाद ने आरसीबी के सामने 187 रनों का एक विशाल लक्ष्य रखा। विराट कोहली की टीम के सामने एक बड़ी चुनौती थी। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए विराट कोहली की टीम को ये मुकाबला हर हाल में जीतना था। और इस मुकाबले में किंग कोहली ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने पहले ही ओवर से ये फरमान जारी कर दिया कि वो इस मुकाबले में रुकने वाले नहीं है। प्लेसिस और कोहली की जोड़ी ने देखते ही देखते आरसीबी को बिना किसी नुकसान के 64 रनों के पार पहुंचा दिया। मात्र 6 ओवरों के बाद आरसीबी ने 64 रन बना लिए थे, जिसमें किंग कोहली ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 19 गेंदों में ही 29 रन ठोके थे। विराट ने अपनी पारी में 6 चौके भी लगाए। वहीं दूसरे छोर पर एक बार फिर से कप्तान फैफ डू प्लेसिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें, फैफ डू प्लेसिस ने 18 गेंदों में 35 रन ठोके। प्लेसिस ने अपनी पारी में 4 चौके और 1 खतरनाक छक्का भी लगाया। हैदराबाद के दिए गए 187 रनों के लक्ष्य का तूफानी अंदाज में पीछा करते हुए आरसीबी ने भी 65 रन बना लिए थे। विराट कोहली की टीम को मात्र 82 गेंदों में अब 122 रनों की दरकार थी। जिस तरीके से किंग कोहली और फैफ डू प्लेसिस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखते हुए तो यही लग रहा था कि ये मुकाबला आरसीबी की टीम आसानी से अपने नाम कर लेगी। क्योंकि विराट की टीम के पास अभी भी आने वाले बल्लेबाजों में ग्लेन मैक्सवेल जैसा तूफानी बल्लेबाज मौजूद है, दिनेश कार्तिक, माइकल ब्रेसवेल जैसे खिलाड़ियों का भी आना अभी बाकी है। इस जीत के साथ ही आरसीबी के प्लेऑफ की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस साल विराट कोहली की टीम चैंपियन बन सकती है या नहीं, या फिर महेंद्र सिंह धोनी की टीम बनेगी चैंपियन? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।